नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। वैसे तो उस खास दिवस पर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, लेकिन इस बार वो देश को संबोधित करने वाले हैं। जी हाँ, इस बार खास भी है क्योंकि रविवार है और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी होती है। और सबसे बड़ी वजह कि इस बार देश में कोरोना वायरस का कहर है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सहारा है योग। यानी कि अगर हम योग करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहेगी, मानसिक तौर पर हम स्ट्रांग रहेंगे। और जब हम अंदर से और मानसिक तौर पर मजबूत रहेंगे तो किसी भी संक्रमण से लड़ने की ताकत हमारे में ज्यादा रहेगी, हम लड़ पाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको ओम चैंट के बारे में बताने वाली हूँ। ओम चैंट करने के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन आज मैं ओम चैंट आपको इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि अगर आप ओम चैंट करते हैं तो मानसिक तौर पर आप मजबूत बनेंगे। ओम चैंट करने से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ साथ चेहरे पे ग्लो भी आता है। और इतना ही नहीं, मानसिक तौर पर हम स्ट्रांग होते हैं। मानसिक तौर पर स्ट्रांग रहेंगे हम तो अंदर से खुश भी रहेंगे, साथ ही कोई भी काम करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ओम चैंट करने का तरीका नहीं पता होता है, वो ओम तो चैंट करते हैं लेकिन गलत चैंट करते हैं। तो ओम का सही उच्चारण कैसे करें, कैसे ध्यान लगाएं, आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना है और ध्यान रखना है कि जो आपके रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही एक नॉर्मल सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त ओम चैंट करेंगे, जैसे कि देखिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ओम के बारे में जानना जरूरी है। ओम तीन शब्दों से मिलकर बना, ऊ हा म, ठीक है। बहुत सारे लोग ओम बोल देते हैं, नहीं, ओम, यानी कि ओ हा म। जो ओ का उच्चारण है वो आपके पेट से आएगा और ह का उच्चारण आपकी छाती से होता हुआ म गले से बाहर निकलेगा। तो कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले आंख बंद करेंगे, मैं बताते जा रही हूँ आपको, आप लोग वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, एक नॉर्मल सांस लेंगे, सांस को छोड़ते समय नॉर्मल सांस अंदर, इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं ओ को बहुत छोटा बोलते हैं, जैसे कि ओ म, यानी कि म को लंबा खींचते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। आपको ओ को लंबा ले जाना है और म को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। जैसे कि एक बार और ट्राई करते हैं, हम कैसे करेंगे, आंख बंद, सांस अंदर, छोड़ने के साथ ही ओ का उच्चारण, तो आप डेली सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और जब आप ये उच्चारण करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ओम के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सही तरीके से। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप 21 जून से योगा डे से प्रण लीजिए कि आप डेली योगा करेंगे और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, साथ ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, तो किसी भी काम को करने में आपका बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।